मुझे एक एक सीन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी लगी पिक्चर की। मतलब ऐसी पिक्चरें बहुत कम देखने को मिलती हैं, जो नहीं देख पाएगा ये उनकी बदनसीबी होगी मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया फिल्म है, मतलब इस चीज़ की ज़रूरत थी अभी। मतलब इन्होंने ऐसा टॉपिक लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बहुत अच्छी फिल्म है और सबको देखनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहता सिर्फ हिंदुओं को, मुसलमानों को भी देखनी चाहिए, क्योंकि भाईचारे के ऊपर जो बात हुई है इस फिल्म में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस देश को, मतलब जो हम लोग कहते हैं ना कि लेके सबको चलता है देश, यही चीज जो हमारी हिंदुत्व का मतलब है, जो वो है इस फिल्म में। फिल्म नहीं कहूँगा मैं, एक सच्चाई है। हिंदुत्व एक ये नहीं है कि सिर्फ लड़ाई है हिंदू की और मुसलमान की। जो ये मूवी सिखाती है कि हमें मिलके रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, पॉलिटिक्स को इसमें नहीं आने देना चाहिए। सो बहुत बढ़िया फिल्म है। मैं ये सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को, जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देखेंगे, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मूवी को जरूर देखें। फिल्म समाज का एक आईना होती है और उसके जरिए हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और फिर लागू भी करते हैं। हाल ही में सिनेमाघरों में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम हिंदुत्व है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर और साथ ही साथ डायरेक्टर हैं करण राजदान, और उन्होंने बॉलीवुड को पहले भी इससे कई फिल्में दी हैं, बड़े पर्दे पर वो लेकर आए हैं। और हिंदुत्व फिल्म के अंदर जो इसका टाइटल ट्रैक है उसे लोग काफ़ी पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हमारी क्या संस्कृति है, हमारा क्या इतिहास है, वो इस फिल्म के बारे में बताया गया है। आशीष शर्मा, सोनारिका और साथ ही साथ अंकित राज इस फिल्म में मुख्य भूमिका के अंदर नज़र आ रहे हैं। फिल्म की क्या कहानी है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर वो पता चल जाएगी आपको तो फिर आप फिल्म देखने नहीं आएंगे। लेकिन जो लोग फिल्म देखने के लिए आए हुए हैं हिंदुत्व, उनका क्या रिव्यू है वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। क्या सबसे अच्छा लगा फिल्म में? कैसी लगी फिल्म में? अच्छी लगी। बहुत सारे लोग हैं जो इस फिल्म को देखकर आ रहे हैं और कैसी है फिल्म ये हम पब्लिक से जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल भी दो शो है सर, कैसी लगी फिल्म? क्या कुछ खास लगा फिल्म के अंदर? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत महसूस है, अच्छा लगा। कैसी हमारे देश की तरक्की होगी इसमें और एक मिनट रहेंगे सब। कैसी लगी सर फिल्म? सर बहुत बढ़िया फिल्म है। फिल्म नहीं कहूँगा मैं, एक सच्चाई है। हिंदुत्व एक ये नहीं है कि सिर्फ लड़ाई है हिंदू की और मुसलमान की। जो ये मूवी सिखाती है कि हमें मिलके रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, पॉलिटिक्स को इसमें नहीं आने देना चाहिए। सो बहुत बढ़िया फिल्म है। मैं ये सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को, जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देखेंगे, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मूवी को जरूर देखें, ताकि जो भी निर्माता है, डायरेक्टर है, आगे और बढ़ चढ़ कर ऐसी ऐसी मूवी बनाए। बहुत बहुत। मैम कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी। क्या कुछ सीखेंगे इस मूवी से? बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। ऐसी मूवी और बननी चाहिए। आपकी राय आंटी जी? अच्छी है। अच्छी है। तो तमाम जो दर्शक हैं वो इस फिल्म को देखकर बाहर निकल रहे हैं। कल भी इस फिल्म के दो शो रहने वाले हैं, सुबह दोपहर को 4 बजे और शाम को 7:15 बजे, और इस फिल्म को तमाम लोग देखने के लिए आ रहे हैं। मैम कैसी लगी फिल्म? मुझे एक एक सीन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी लगी पिक्चर की। मतलब ऐसी पिक्चरें बहुत कम देखने को मिलती हैं, जो नहीं देख पाएगा ये उनकी बदनसीबी होगी मेरे हिसाब से। क्या कुछ सीखेंगे इस फिल्म से आज के युवा? बहुत ही कुछ सीखेंगे। बहुत ही अच्छी फिल्म थी और देखनी चाहिए, मोटिवेशन मिली, अच्छी फिल्म। हमारे एक हिंदू भाई ने अपने हर मजहब के इंसान के लिए अपनी जान तक दे दी। मतलब सबको एक करना चाहता है हिंदू हमारे, मतलब भारत में उसने अपने मतलब कि अपनी जान दे दी। उन हमारे ही मुसलमानों को भी बचाया, सब सबको अपने अपना समझा। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग निकल रहे हैं फिल्म को देखकर। सर कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया फिल्म है, मतलब इस चीज़ की ज़रूरत थी अभी। मतलब इन्होंने ऐसा टॉपिक लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बहुत अच्छी फिल्म है और सबको देखनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहता सिर्फ हिंदुओं को, मुसलमानों को भी देखनी चाहिए, क्योंकि भाईचारे के ऊपर जो बात हुई है इस फिल्म में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस देश को, मतलब जो हम लोग कहते हैं ना कि लेके सबको चलता है देश, यही चीज जो हमारी हिंदुत्व का मतलब है, जो वो है इस फिल्म में। जाहिर सी बात है, हमारे देश की तरक्की तभी हो सकती है जब सभी मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है, सबको देखनी चाहिए।
जो हिंदुत्व के बारे में लोग आजकल नई नई बातें चल रही हैं कि हिंदू हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व, तो साफ हिंदुत्व का एक चेहरा दिखाया गया है समाज में कैसा होना चाहिए लोगों को, उसकी एक शिक्षा दी गई है। बहुत अच्छी मूवी, लोगों को देखना चाहिए। तो लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए। एक फैमिली और है हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। सर कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी है सर, सभी को फैमिली के साथ आके देखना चाहिए। इसमें हिंदुत्व के बारे में सब कुछ दिखाया गया है कि क्या क्या हिंदुत्व में होता है, क्या क्या नहीं होता। क्या कुछ सीखा फिल्म से? आज के युवाओं को क्या सीखने की ज़रूरत है? सीखा है कि जैसे एक आदमी ने सबको मिलाने के लिए अपनी अपनी जान दांव पर दे दी, तो सबको मिलकर रहना चाहिए। कैसी लगी मैम फिल्म? बहुत अच्छी लगी है मूवी, एक फैमिली के साथ देख सकते हैं। और वैसे भी मूवी में मतलब हिंदुत्व को दिखाया गया है, और इसमें हमें तो बहुत अच्छा लगा, और सभी को ये देखनी चाहिए मूवी। तो तमाम लोग जिनसे हमने जाना, उनका रिव्यू क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए, क्योंकि करण राजदान जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म को बड़े पर्दे पर वो लेकर आए, और बहुत से कलाकार इस फिल्म में अपना अभिनय दिखाते हुए नजर आए। हिंदुत्व के बारे में इसमें फिल्म में अंदर बताया गया है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि भारत देश किस के लिए जाना चाहता है। चाहे कोई भी धर्म से कोई भी व्यक्ति है, सभी को साथ मिलकर रहना चाहिए, तभी देश तरक्की कर सकता है। फिल्म का नाम है हिंदुत्व, और लोग इस फिल्म को काफी स्टार देते हुए नजर आए। अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो आप आ सकते हैं, इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म के दो शो रहने वाले हैं, 4 बजे का और 7:15 का। तो आइए अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली के साथ ये फिल्म बड़े पर्दे पर देखी जा सकती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।